केंद्र सरकार की हड़ताली डॉक्टरों को काम से परतन की अपील। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने का किया ऐलान। सेहत मंत्रालय ने सुरक्षा का दिया भरोसा। आईएमए की हड़ताल के विचाले सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने पंजाब के डॉक्टरों की बुलाई बड़ी मीटिंग। सोमवार को पंजाब भवन में होगी बैठक। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर की जाएगी चर्चा। पंजाब भर के तहसीलदारों वालों हड़ताल का ऐलान। 19 अगस्त को छुट्टी पर जाएंगे जिला माल अफसर और तहसीलदार। सरकारी गड्डियों से सुरक्षा सने कई मंगा। लोकल रूट से बसा चलाने लैके चंडीगढ़ से पंचकूला के विचाले विवाद। पंचकूला टीओ ने सीटीओ दियां 10 बसा कीतियां इंपाउंड। कुछ दिन पहला चंडीगढ़ के रोकी गई सी पंचकूला रोडवेज की बस। सीएमान का महिलावां रखड़ी गिफ्ट। आंगनवाड़ी के जल्द 3000 नवीं भर्तियां करन दा ऐलान। कहा फायर ब्रिगेड के भी महिलावां की भर्ती बारे बदलांगे नियम। केंद्रीय राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू नूं राज्यसभा भेजने की तैयारी। राजस्थान तों राज्यसभा भेज सकती है भाजपा। 21 अगस्त नूं नॉमीनेशन दाखिल करन दा आखिरी दिन। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल नूं बंब दे नाल उड़ाउण की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल करवाया खाली। बंब स्क्वाड टीम के वलों भी तलाशी अभियान। फतेहगढ़ साहब पुलिस ने खेड़ी वाले बाबे नूं भेजिया जेल। कोर्ट ने रिमांड तो पहला बाबे का इलाज करवाउण दे दित्ते आदेश। पुलिस ने चंडीगढ़ हस्पताल तो कीता सी काम। पैरिस तो भारत पहुंची रैसलर विनेश फोगाट का शानदार स्वागत। एयरपोर्ट से साक्षी के गल लग के हुए भावुक। कहा मैं बहुत किस्मत वाली। सत श्रीकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू शुरुआत करांगे बुलेटिन की। सीएम मान ने महिलावां नूं रखड़ी का गिफ्ट दिता है। उन्होंने कहा कि जल्द आंगनवाड़ी के 3000 नवी भर्तियां कीतियां जाणगियां। फायर ब्रिगेड के भी महिलावां की भर्ती जिहड़ी है वह करांगे। और फायर ब्रिगेड के महिलावां की भर्ती लैके जिहड़े नियम बनाए गए ने उन्होंने बदलाव करांगे। तो पंजाब के पहली बार 6 कुड़ियां SSP ते 8 कुड़ियां DC हन। सीएम ने कहा है हर खेतर के धियां के अगे इन्हां नूं उड़न का मौका दे। ताज सीएम मान ने 14 नवनियुक्त महिला सुपरवाइजरां नूं ज्वाइनिंग लैटर दिते सन, जिस मौके ते उन्हां ने संबोधन किया। ते खास तौर ते बधाई भी देना भैणां नूं। नाल इह भी है अज को अनाउंसमेंट भी करन लग्गिआं कि आंगनवाड़ी दे विच आउण वाले दिनां च किन्ने क दिनां च मैडम करांगे एजुकेशन, ये ऐसे सैशन च लियाउंगे। आ जिहड़ा सैशन है मानसून सैशन, ऐसे मानसून सैशन दे विच बिल आ जूगा। 3000 असामियां आंगनवाड़ी दियां सी क्रिएट करके भरांगे जी। 3000 ते जिन्हां ने पंजाबियां दा दिल तोड़िया, जिन्हां ने पंजाबियां दा यकीन तोड़िया, जिन्हां ने पंजाबियां दा करोड़ां दी वी कीमत जिहदी नहीं पै सकदी उहदा विश्वास तोड़िया, जिन्हां ने पंजाबियां दे सुपने तोड़े, जिन्हां ने पंजाबियां दे दृढ़ इरादे तोड़े, अज उह आप टुकड़े टुकड़े होए फिरदे ऐ। अज उहनां दे आपदे टुकड़े नहीं लभ रहे। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, आ हालत होई पई उहनां दी। कोई यकीन तोड़िया उहनां ने, विश्वास तोड़िया उहनां ने। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ। उधर सूबे भर के तहसीलदारा के वालों हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। 19 अगस्त तो छुट्टी पर जाएंगे जिला माल अफसर और तहसीलदार। 19 तो लैके 21 अगस्त तक हड़ताल से रहेंगे, यानी कि 2 दिन का समय है जो हड़ताल की जाएगी। तो पंजाब रेवेन्यू अफसर एसोसीएशन के वालों ऐलान किया गया। एसोसीएशन ने मुख्यमंत्री मान को मांग पत्र भेजा है। तो मंगा मनने के लिए सरकार को 18 अगस्त तक का
अल्टीमेटम दिता गया है। अपने मंगा नूं लैके हड़ताल से जाएंगे तहसीलदार तां सरकारी गड्डियां अते सुरक्षा दे सने कई मंगा नूं लैके हड़ताल। पंजाब रेवेन्यू अफसर एसोसिएशन के प्रधान के नाल भी गलबात की है और उन्होंने की कुछ किया भी तुहानू सुनावांगे। तो हड़ताल नू लैके पहला तो ही तरीक जिहड़ी है अल्टीमेटम दे वजो 18 अगस्त दी गई। असीं नायब तहसीलदार तहसीलदार ते डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर इहदे विच शामिल होवांगे जी। इहदे विच साडी काफी लंबे समय तो जिहड़ियां ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਉਹ ਲੰਬਤ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਵੀਪਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਮਾਨਸੂ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ OST ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੂਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 19 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜਲ ਕੁਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ। अगे वधांगे तां गल करांगे केंद्र सरकार ने हड़ताल से गए हुए डॉक्टरां नूं अपील की है। सरकार ने डॉक्टरां नूं काम से परतन की वापस अपील की है, काम से वापस आने के लिए कहा गया है डॉक्टरां नूं, डॉक्टरां दी सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएगी सरकार, ये उन्होंने दावा किया है। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से कमेटी बनाई जाएगी, सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी कहा गया है। तो सेहत मंत्रालय ने डॉक्टरां नूं सुरक्षा का भरोसा भी दिता है। हालांकि एक दिन की हड़ताल से ने डॉक्टर औरत नूं लैके काफ़ी ज़्यादा समस्या पूरे देश के मरीजों आ रही है, लोगों आ रही है। OPD बंद है, ऑपरेशन थिएटर बंद ने, अंदाजा लाया जा सकता है कितनी ज्यादा बड़ी गिनती के लोग प्रभावित हो रहे हैं और कई थावां तो खबर अजिहां भी ने जिथे एमरजेंसी सेवावां तक प्रभावित हो रही हैं। तो कुल मिला के हुणे केंद्र ने अपील की। दस दईए कि पछम बंगाल दे विच अजिहा वतीरा होया डॉक्टर दे नाल, महिला डॉक्टर दे नाल रात वेले जिस दे नाल जबरजना किया गया बुरे तरीके दे नाल, उस नूं लहूलहान किया गया, उसका कत्ल कर दिता गया, जिस तों बाद यह हालात बने हुए ने और कुल मिला के डॉक्टर यही मंग कर रहे हैं कि यह बेहद ही घिनौनी हरकत की गई है, वारदात को अंजाम दिता गया जो खौफनाक है, जिस नूं सुन के भी रूह कंबदी है। तो इस दे चलदे जिहड़ियां डॉक्टर खास तौर पर महिलावां डॉक्टर रात वेले शिफ्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। IMA की हड़ताल के विचाले पंजाब सरकार ने डॉक्टरों की वड्डी मीटिंग सदी है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस दी कि बैठक बुलाई है, सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन के यह मीटिंग होगी। हस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर यह चर्चा की जाएगी। IMA PCMS से मैडिकल टीचर्स बैठक के शामिल होंगे, सेहत विभाग के वड्डे अधिकारी भी जिहड़े ने शामिल होंगे। सरकारी प्राइवेट डॉक्टरों के नाल नाल नर्स एसोसीएशन भी बुलाया गया है क्योंकि नर्सा ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਰਸਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ।
ठीक है जी, वो उन्होंने कानून बनाया नहीं है, मैं उम्मीद है कि हुण बनाएंगे वो, उहदे वास्ते भी मैं चिट्ठी लिख रहा जी। मैं सोमवार को 3:30 बजे पंजाब भवन विच जिन्नियां मैडिकल दियां डाक्टरां दियां नर्सां एसोसीएशन उन्हां दी मीटिंग बुला ली है, उन्होंने रीशोर करूँगा, जो जो चेंजेस कहणगे, जो जो उन्होंने उन्होंने कंसर्न होणगे, सारिआं ते काम करके सारे मसले। डॉक्टर जदों मरीज का इलाज करनगे, रब का रूप है, उन्होंने मन च कोई डर नहीं होना चाहिए मेरे ते हमला ना हो जाए जी, ये डर उन्होंने कढ़ांगे जी। आप हर हील हर जिहड़ा हीला वसीला उहदे वास्ते करांगे, जिहड़ी उस लड़की नाल दरिंदगी होई है उहदे वास्ते सख्त तो सख्त उन्होंने फांसी की सज़ा जिन्नी देर नहीं आती, उहदे माँ बाप नूं तां की आनी है, मेरे दिन में चैन नहीं आएगा उन्नी देर। मतलब सारे असी सदमे चा, सारी नेशन है, ये साढ़े 140 करोड़ जिहड़े भारती जिहड़े अपना आप कहिंदे आ जिहड़े भारत ते माण महसूस करदे उन्हां वास्ते डुब मरन वाली गल है, शर्म वाली गल है, साढ़े सारिआं वास्ते, साडियां सरकारां वास्ते भी और साडे जिहड़ा समाज है उहदे वास्ते भी, समाज नूं भी अपना फर्ज निभाउणा चाहीदा, उहदा भी असीं बंदोबस्त करांगे तुहाडे सारिआं नाल मिल के। मैं सारिआं नूं अपील करदा भी इह दुख दी घड़ी आ, आपां उस परिवार नाल खड़ीए, मेरी हमदर्दी उहनां दे नाल है। कोलकाता दरिंदगी नूं लैके डॉक्टरां दा प्रदर्शन होर तेज हो गया है, IMA दी कॉल ते 24 घंटे दे लई हड़ताल ते ने डॉक्टर, हस्पतालां दे विच OPD ते ऑपरेशन थिएटर बंद ने, हालांकि एमरजेंसी सेवावां ते किसी भी तरह का कोई असर नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर पहलां तों ही हड़ताल ते ने और हुण IMA दी कॉल ते डॉक्टरां दी हड़ताल है, जिस तों जान तों बाद सेवावां सेहत सेवावां प्रभावित हो रही ने। 6 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, चंडीगढ़, अमृतसर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाणा ते पटियाला, इत्थे की वड्डे पद्धर ते रोस वेखण नूं मिलिआ। CPA की डिमांड पे आगे बात होती है, क्या लगता है कि मामला सुलटेगा, क्योंकि 6 घंटे में FIR का तो जो ऑर्डर है वो कहां तक सही लगता है? आई थिंक ये एक बड़ा छोटा स्टेप है, बहुत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सारा देश दुखी है, अभी तो डॉक्टर सिर्फ रोड पे हैं। आई थिंक सारी जनता को समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, ये एक बेटी थी, एक विमेन थी, सो आई थिंक एवरीबडी शुड प्रोटेस्ट। अब हम मांग क्या रहे हैं, जो लोग लोगों की जान बचाते हैं उन लोगों को ही अगर वर्क प्लेस पर मारा जाएगा तो उससे घृणित कार्य या इनह्यूमन एक्ट तो कोई हो नहीं सकता। आई थिंक दिस इज द लीस्ट दैट डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ फीलिंग द पेन, दैट्स वाई एवरीबडी इज़ हेयर, दैट्स वाई PGI फैकल्टी इज़ ऑल्सो हेयर, एंड PGI ने हमेशा हर चीज़ में जान लगाई है, तो इसमें भी PGI विल ट्राई इट्स बेस्ट दैट द मैसेज इज कन्वेड। आपको लग रहा है कि लोग समझ रहे, क्योंकि कल डॉक्टर समीर बात करते हैं कि लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए मरीज जब PGI आता है तो वो दुखी आता है, तो ये एक जो रिलेशन है डॉक्टर मरीज का और आपकी जो डिमांड है वो समझ आ रही है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आई थिंक हम लोगों की दर्द, हमारे से ज़्यादा लोगों की दर्द कोई नहीं समझता, हम नहीं चाहते कि लोगों को कोई असुविधा हो, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। अब पर अगर कोई लोग हमारी दर्द नहीं, आप ये देखिए कि हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, सिर्फ डॉक्टर्स के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर सिर्फ ये कलकत्ता का हॉरर चल रहा है, बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑड आवर्स पे हमारे को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, रिपोर्टें भेजते हैं, दे थिंक दैट एज देयर राइट टू आस्क एट एनी आवर, 11th hour, 12th hour, मिडल ऑफ द नाइट, डोंट, आई एम वेरी सरप्राइज दैट देयर कॉन्शियस इज नॉट शेकन, इट दिस इज सच एन इनह्यूमन एक्ट दैट आई थिंक एवरीबडी इज कॉन्शियस हैज टू बी शेकन। आई मीन हम तो उसको सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, व्हाट दैट अनफॉर्चुनेट चाइल्ड और लेडी वेंट थ्रू। आई मीन आजकल की तारीख में एक आज़ाद हिंदुस्तान में अगर एक बच्ची के साथ हस्पताल जैसी वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है, देन वेयर आर द गर्ल सेफ? बिल्कुल डॉक्टर समीर, आप कल कह रहे थे कि ये सपोर्ट जरूरी चाहिए होगी, अब आप प्रोटेस्ट करें कब तक ये चलेगा आपको लगता है? नहीं, आज तो हमने एक सिम्बोलिक जो एक 24 आवर्स का हमारा प्रोटेस्ट है IMA का, हमने वो किया है, देखते हैं क्या होता है कि शाम को फिर देखेंगे, रिव्यू करेंगे, पर हमारा जो डिमांड है वो सेम ही रहेगी, सेफ प्लेस फॉर आर वर्कर्स, फॉर अस, फॉर आर डॉटर्स, फॉर आर सन, हम वो ही चाहते हैं,
ये अब कब मिलेगा उसके हिसाब से हमारी, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारी एक जेन्युइन, लोग ये नहीं समझते ये जेन्युइन डिमांड है। हमने कुछ गलत नहीं मांग रहे, मैं हम तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं कि हमारी, हम प्रोटेस्ट होता है जब मैं कोई अपने लिए कुछ चीज़ मांग रहा हूँ, हम तो सोसाइटी के लिए। अगर डॉक्टर्स ही अगर अल्टीमेटली सेफ प्लेस नहीं करेंगे तो किसका इलाज करेंगे, वो कैसे इलाज कर सकते हैं? अगर मैं भयभीत हूँ तो मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा, मैं इलाज करूँगा, मेरे को अपने वर्क प्लेस पे यही लगता रहेगा कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो अभी, मैं अभी आपको लगता है कि हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स में डर का माहौल है अभी इस टाइम है? तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट शुरू है और जो ब्लैक बैंडेज हैं, काले जो बिल्ले हैं वो लगाकर प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर हैं, और ये फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं। अभी जो हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई वो थे रेजिडेंट यानी कि जूनियर, ये फैकल्टी है। हमारे साथ पीजी के डायरेक्टर प्रोफेसर वेकलाल हैं। वेक जी, बहुत घटना जो हुई है आपने कंडेम किया, आपकी जिंदगी में कभी इस तरह के माहौल नहीं बने, जो डॉक्टर मरीजों को देखते थे वो आज बैनर लेने के मजबूर हैं। बिल्कुल, ये एक दर्दनाक नहीं, ये एक शर्मनाक घटना है, ये एक शर्मनाक घटना है जो कि हमारी देश की आत्मा पे कलंक है। इट इज अ ब्लॉट ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन एंड द ओनली वे दैट वी कैन, जिसको कहते हैं जस्टिस मिल सकता है, इज बाय गेटिंग दोस रेपिस्ट टू मर्सीलेसली बी पनिश्ड। एंड मैं बहुत खुश हूं सीबीआई हैज टेकन ओवर द प्रोसीडिंग्स। नंबर एक, द ऑनरेबल जुडिशरी इज इन फुल स्विंग मॉनिटरिंग दिस, जिससे हमें पता है कि द राइट जस्टिस विल बी डन एज अर्ली एज सीपीए की मांग हो रही है, और आपने भी टच में लगातार मिनिस्ट्री से मीटिंग भी होनी है। यस, मैं नहीं, मेरे एआरडी वाले, दे आर इन टच विद द मिनिस्ट्री। यस, द मिनिस्ट्री इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन 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 हेल्पिंग अस रिजॉल्व दिस इशू। मिनिस्ट्री हैज गिवन अस अश्योरेंस फॉर, उन्होंने हमको अश्योरेंस दी है फॉर सीपीए। फैकल्टी ने आपसे मांग रखी थी ऑलरेडी, आपने साथ के साथ कहा कि चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें रह गई थी, जैसे कैमरा हो, कुछ डार्क प्लेसेस हो पीजीआई में कैंपस में और सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए। देखो वी, हमारे जो पीजीआई की जो सिक्योरिटी है, एक चीज बात याद रखना, सिक्योरिटी का एक अंग होता है माहौल। हमारे पीजीआई का जो माहौल है ना, वो सेवा का माहौल है, समझो बात को, बट इट डज नॉट मीन दैट वी इग्नोर सिक्योरिटी। जैसे जो आपका कलकत्ते में हुआ है, यू कैन टेक इट फ्रॉम पीजीआई में, तो ये चीज हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हमारे यहाँ है ही सेवा का माहौल। हमारे 70% ऑफ द लेडीज, ऑफ द रेजिडेंट्स आर लेडीज। फॉर एग्जाम्पल 110 रेजिडेंट्स है जनरल सर्जरी में, 70 आर लेडीज, एंड ईच एंड एवरी लेडी इज अ प्राउड रेजिडेंट। जो 70 हमारी फीमेल रेजिडेंट्स है, दे आर प्राउड रेजिडेंट्स ऑफ पीजीआई, और वो दिन रात काम करती है, दे फील सिक्योर, not because of anything but the respect that those lady residents get in PGI. last sawal, aur samajh gaye na ki jo ek lady ko resident ko hamare yahan izzat milti hai, that is what gives them the security. izzat security hoti hai, yaad rakhiye, bilkul, agar if you don't respect the lady then obviously the lady will feel insecure. bilkul, ek last sawal, doctor sahab ke emergency chal rahi hai day 1 se, aaj opd band hai, aage aap is cheez ko kaise dekhte hain, kyunki mareejon mein lagta hai ki jo mareej aata hai wo dukhi hai ki mera ilaaj ho jaye, aur doctor bhi ye keh rahe hain ki mareejon ko bhi samajhna chahiye ki hum koi apni tankhwa ke liye nahi, ek secure aur pure desh ke liye lad rahe hain. ji haan, आपको जान के मेरी मतलब यू विल फील हैप्पी, कई मरीज हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़ गए कि जो हुआ है एक कलंक है, और जो आप कर रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ सहमत है। आपको शायद पता होगा, शायद बॉलीवुड भी जुड़ गया इस मूवमेंट के साथ, आफ्टर ऑल बॉलीवुड भी इस मूवमेंट। स्वागत है। गुरदासपुर के सिविल हस्पताल के डॉक्टर ने एक फौज के जवान को मौत के मुंह के विचों कढ लिया। दरअसल बीएसएफ के जवान के सप लड़ गया सी, जिस तों बाद जवान को अधमरी हालत सिविल हस्पताल लिया गया। जवान के दिल ने दस दिए कि काम करना बंद कर दिता सी, पर डॉक्टर ने करीब एक घंटा तक मरीज को सीपीआर दिता, जिस दे नाल जवान के दिल ने मुड़ तो काम करना शुरू किया। जवान की हालत सुधार आने तो बाद उस नूं अमृतसर रैफर कर दिता गया। साढ़े को इतने एक पेशेंट आया सीगा जी, कलानौर तो रैफर हो के, ये बीएसएफ का जवान सीगा जी, कि जिन्हों सप्प ने सवेरे 5 बजे वो बिस्तरे के उत्ते ही वड़ दिता सीगा, कट दिता सीगा। पेशेंट उत्थे गया सिविल हॉस्पिटल कलानौर, जिथे प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण पेशेंट नूं साढ़े को इतने सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर के रैफर कर दिया गया सीगा। तो जदों इतने साढ़े को पेशेंट आया सीगा, उसकी कंडीशन जी काफ़ी खराब सी, इन्हू सप्प ने वड़िया सीगा, 4-5 घंटे इस चीज़ में हो चुके थे। जहर की जी, जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिता सी,
पेशेंट जो इतने आया साढ़े को एकदम आके कोलैप्स कर गया, बी पी पल्स जो बिल्कुल उड़ गया, बिल्कुल अनरिकॉर्डेबल सीगा। एक आप कह लिए कि पेशेंट एक बार रब कोल पहुँच गया सीगा, बट जी साड़ी टीम सी इतने सिविल अस्पताल गुरदासपुर की, असी पेशेंट का जी एक घंटे वास्ते सी पी आर किया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिदे नाल कि पेशेंट के नाल आप ट्यूब आ दी गले दे विच कि उन्हें सह जो आर्टिफिशियल आप दे जाइए, ये करन दे नाल पेशेंट जो थोड़ा मतलब वापस आ गया सीगा। बाकी असी पेशेंट नूं जिहड़ा बाद विच जो वेंटीलेटर की सहूलत साढ़े सिविल हॉस्पिटल ना होने करके असी इहनूं पेशेंट नूं गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर वास्ते रेफर कर दिता सीगा। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट, कॉल 9207492074। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट, कॉल 9207492074।